A life-size cutout of a langur has been the talk of the town as New Delhi prepares to host global leaders. But why is it there? बंदर की बहुत प्रॉब्लम है जी, बंदर पेड़ पौधे तोड़ते हैं, बहुत बहुत समस्या है। हम के लिए तो जी अभी वही पोस्टर लगाए, ये लंगूर का पोस्टर लगाए तो उससे अभी थोड़ा कम है। एनसीआर में जाता है लोगों को बंदर से बहुत दिक्कत होती है, तो लंगूर का एक पोस्टर इसलिए लगाते हैं कि उसे देख के कोई बंदर नहीं आता। तो इसलिए लगाया कि जो अपने नॉर्मल बंदर होते हैं उनसे डरते हैं, तो इसलिए लंगूर को देख के डर जाएंगे। वो देखना है कि उसको देख के भागेंगे नहीं भागेंगे, पुतले को देख करके मुझे तो लगता नहीं। कहीं कहीं एरिया में क्या करते हैं कि लंगूर वाले को हायर कर लेते हैं अपार्टमेंट से या अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि लंगूर जैसे आते सारे बंदर चले आते हैं, भाग जाते हैं। From statues and flowers to fountains, several parts of Delhi are being renewed. We ask Delhiites if they know why the beautification is taking place and what do they know about the G20 summit. ये नहीं पता जी। ताकि दिल्ली में टूरिस्ट ज़्यादा है, उनको जैसे दिल्ली आते हैं वो, उनको मोस्टली तो वो पहला बोलते हैं इंडिया पूब बॉर्डर की कंट्री है, बाहर सब यही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो उनको अच्छा लगेगा, देखना सुंदरता बढ़ जाएगी दिल्ली की। ये G20 के लिए, ये G20 आ रहा है, समिट हो रहा है, G20 समिट इसलिए हो रहा है। ये G20 की वजह से, बिकॉज ऑफ G20 समिट। शायद G20 को लेकर कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे। G20 की मीट समिट है 2023, तो उसके लिए हो रहे हैं, डेलीगेशन आ रही है 20 कंट्रीज से, तो दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है उसी के लिए। G20 की वजह से? G20 का मतलब ये थोड़ा बहुत मुझे पता है बस, थोड़ा मतलब कि अपना लाल किला हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, वो घूमने आ रहा है बस। G20 मतलब 3 दिन के लिए दिल्ली बंद हो रही है पूरी, लॉकडाउन जन्माष्टमी के बाद। इतना डेकोरेशन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, 3 दिन की छुट्टी आ रही है। सही बात है, हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा 3 दिन के लिए। G20 आई गेस ग्रुप ऑफ कंट्रीज का समिट होने वाला है जो कि इंडिया होस्ट करेगा। अब G20 इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, इतना मैं बताऊँ, मैं तो गाँव से हूँ, पर फिर भी इतना बता रहा हूँ कि जो G20 चल रहा है, बता रहे हैं कि बाहर से विदेश से जो मंत्री लोग आएंगे उसकी तैयारी हो रही है। G20 एक्चुअली में 20 कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्लोबली जो कंसर्न्ड इश्यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं। G20 इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सारे ब्यूरोक्रेट्स एंड सब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आएंगे फॉर वेरियस पर्पसेस, टू यू नो कंडक्ट फ्यू मीटिंग्स अबाउट यू नो द चैलेंजेस दैट द वर्ल्ड फेसेस। मेन एजेंडा इज आई थिंक ऑफ बेसिकली ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट फाइनेंस। एग्जैक्टली, यस, दे आर आर्गुइंग द समिट इज ऑन दैट इन प्रगति मैदान, द न्यूली मेड कन्वेंशन सेंटर, एंड possibly most of the bureaucrats would be staying in the central secretariat area, so that's why thoda beautify kar diya Delhi ko ki nahi itna kharab bhi nahi hai. So it's like commonwealth happening all over again. G20 is a international economic discussion which happens, so they can like talk about more economic growth and how they can develop the economy and architecture and all. Pehli baar ye apne country mein ho raha hai जिससे कि काफ़ी अपने देश को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा, जैसे कि लॉकडाउन में हमने अभी तक देखते आ रहे हैं, लगता है लोगों को लॉकडाउन तो खुल गया है बट कंपनी में इतना कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो लोकल एरिया में नहीं रहेगा बिजनेस, तो इससे उम्मीद यही है उम्मीद कि इससे आगे हमारा आगे जो कारोबार है हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो हर इंसान को इससे बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, लोकल कारोबार जो भी रहेगा सबको, सबके लिए आई होप सबके लिए अच्छा हो। जो रोज़मर्रा कमाने वाला आदमी है उसके लिए डिस्टर्बेंस है, हम जैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो बेचारा रोज़ कमाता रोज़ खाता है उसके लिए दिक्कत है, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किसी उनके लिए भी कुछ ऐसा करें कि उनको का वो भूखे ना रहे, कम से कम एटलीस्ट जो सड़क पे अपना रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं।